नमस्कार दोस्तों, मैं संजय, स्वागत है आपको मस्ती क्लब चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 के अंदर में दो ऐसे हिडन सेटिंग बताऊं फ्रेंड्स, जो कि वह सेटिंग बहुत ही यूजफुल है फ्रेंड्स। कई बार ऐसा होता है फ्रेंड्स, आप अपने फ़ोन में नेट को यूज करते हो, आपका फ़ोन में नेट स्पीड कितना दे रहा है ये आपको पता नहीं लगता है। तो आज के इस वीडियो में यही एक सेटिंग बताऊँगा फ्रेंड्स, जो कि आप बहुत ही आसानी से आप अपने नेट स्पीड को कितना स्पीड से डाउनलोड हो रहा है ये आपको आपके फ़ोन में सेटिंग रहता है, सिर्फ आप उस सेटिंग को ऑन करना होगा फ्रेंड्स। जैसे ही आप ऑन कर देंगे फ्रेंड्स, तो आपको वो सेटिंग के सहायता से फ्रेंड्स है कि आपको नेट स्पीड पता लग जाएगा फ्रेंड। कई बार ऐसा होता है कि अगर कितने फोन में ये सेटिंग नहीं रहता है, तो बाहर से आपको प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है, उसके बाद आप अपना नेट स्पीड को चेक कर पाते हैं फ्रेंड। जैसे कि फ्रेंड सैमसंग के ज़्यादातर फोन में ये नेट स्पीड का है जो कि सेटिंग नहीं रहता है, उसको अलग से प्ले स्टोर से डाउनलोड करना पड़ता है, तभी उसका में नेट है जो कि बहुत सारे ऐसे फोन में सैमसंग का फोन में शो नहीं करता, ज़्यादातर के फोन में शो नहीं करता है, तो उसमें बाहर से एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ता है। लेकिन आप इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 फोन यूज करें या इन्फिनिक्स का अधिकतर फोन यूज कर रहे हैं, उसमें ज्यादातर के सेटिंग है फ्रेंड्स। और दूसरा सेटिंग मैं बताऊंगा फ्रेंड्स, जो कि यहाँ पे बैटरी परसेंटेज है, इसको बैटरी परसेंटेज को किस तरह आप इनेबल कर सकते हैं, उसमें कितना परसेंट आपका चार्ज है या कितना परसेंट चार्ज हुआ है, ये सभी इन परसेंटेज आपको बताएगा इसमें, जो कि इसमें सेटिंग ऑलरेडी पहले से रहता है फ्रेंड। तो चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको इन दो सेटिंग के बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स इसके लिए आप अपने फोन के सेटिंग में आ जाए फ्रेंड। तो देखिए मैं अपने फोन के सेटिंग में आ जाता हूँ। फोन के सेटिंग में आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस के ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखें, यहाँ पे मान कर चले आपके डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस पे क्लिक करेंगे फिर, तो यहाँ पे देखें सबसे नीचे में आएंगे तो स्टेटस बार नेटवर्क स्पीड डिस्प्ले है, इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे फिर। तो यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे जैसे ही मैंने इसके ऊपर क्लिक किया हूँ फिर, तो यहाँ पे देखें मेरा जो नेट यूज कर रहा हूँ फ्रेंड्स उसका केवी में बता रहा है, जैसा कि जो भी मैं अब इसमें यूज करूंगा तो यहाँ पे मेरा केवी में बताएगा। मान के चले इसको मैं यहाँ पे अभी बंद कर रहा हूँ, तो यहाँ पे देखें बंद हो गया, यहाँ पे शो नहीं कर रहा। और उसके बाद फिर मैं मान के चले इसको चालू कर दें, तो यहाँ पे ध्यान से देखें यहाँ पे मेरा परसेंटेज मेरा स्पीड है जो कि बता रहा है, ये हो गया फ्रेंड्स। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप सीधा बैक जाएं, बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आपको बैटरी जो परसेंटेज का है उसको किस तरह में इनेबल करना है ये मैं आपको पूरा जानकारी बताऊंगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैं बैक आ गया हूँ वहाँ से। और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा आप नीचे आइएगा, नीचे आने पे फ्रेंड्स यहाँ पे देखे पावर मराथन है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे बैटरी सेटिंग है, इसके ऊपर आप क्लिक कर दें। यहाँ पे बैटरी सेटिंग के ऊपर आप जब क्लिक करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएगा फ्रेंड्स। यहाँ पे देखें बैटरी परसेंटेज है, इसको अगर इसको आप जैसे ही इसको आप यहाँ पे ऑन करेंगे, देखिए मैं जैसे ही इसको ऑन किया हूँ फ्रेंड्स, तो मेरा यहाँ पे देखिए यहाँ पे बैटरी परसेंटेज है जो कि यहाँ पे शो कर रहा है। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा तो मेरा बैटरी परसेंटेज यहाँ पे शो कर रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे बंद कर देता हूँ तो देखिए मेरा बैटरी परसेंटेज बिल्कुल शो नहीं कर रहा। अब मैं इसको ऑन कर देता हूँ, मेरा बैटरी परसेंटेज शो कर रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स मान के चले यहाँ पे चार्जिंग कंप्लीटेड टोन है, इसको अगर ऑन करना चाहते हैं तो इसको आप ऑन कर सकते हैं। तो मैं इसको ऑन करके नहीं रखूंगा क्योंकि फालतू का है, तो आपको मर्जी होगा तो इसको ऑन भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको ये इन्फिनिक्स स्मार्ट 6 के अंदर ये दो सेटिंग कैसा लगा मेरे को कॉमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और फ्रेंड्स इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज फ्रेंड्स आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन घंटी को दबा दीजिएगा। दोस्तों जब बेल आइकन घंटी को आप दबाएंगे फ्रेंड्स, तो उसमें एक ऑल का ऑप्शन आएगा, आप उसको ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि मैं जब भी इस तरह का कोई भी यूजफुल वीडियो लाऊंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फ्रेंड्स आपके फैमिली नंबर में इन्फिनिक्स का कोई भी फोन यूज करें तो इस वीडियो को आप शेयर भी कर सकते हैं, तो उनको भी यह जानकारी बता सकते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय दोस्तों।